नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और YouTube वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं Redmi Note 9 की पोर्ट रोम या मोड रोम के बारे में, क्योंकि इस रोम में बहुत सारे ऐसे फीचर है जो आपको स्टॉक रोम में भी देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आपको ये रोम चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर हमें टैग करके इस रोम की बात कर सकते हैं और इसमें आपको क्या क्या फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं वो भी आप हमें बोल सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को ही मिलेंगे। इसमें आपको MIUI जैसी गंदी परफॉर्मेंस तो नहीं, पर MIUI से बहुत ज़्यादा अच्छी और स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और साथ में आपको जो भी बैन ऐप है वो भी आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। और सबसे अच्छी बात, ये ग्लोबल है और ये सारे फ़ोनों के लिए अवेलेबल है। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे ऐप्स है जो कि फालतू के होते वो इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, जैसे कि गेट ऐप्स है और बहुत सारे ऐप्स है जो कि बार बार हमें नोटिफिकेशन देते हैं, उसका तो उस ऐप का तो कोई नाम निशान भी नहीं है इस रोम में। इसमें आपको फ्लोटिंग विंडो भी देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको गेस्चर बार भी मिल जाता है। गेस्चर बार इसमें बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है, मैंने इसमें अच्छे से वर्क किया है, इसको मैंने 2 दिन यूज भी किया है इस रोम को और ये बहुत ही अच्छी चल रही है। इसमें आपको थीम भी ऐसे नहीं है कि थीम हटा दिया, नहीं, इसमें थीम भी है और वो प्रॉपरली वर्क भी कर रही है। इसमें आपको क्लॉक के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि नॉर्मल स्टॉक MIUI में भी मिलते हैं। इसमें आपको मेन चीज़ें आपको इसमें ये डायमेंजियो की ये पोर्ट रोम है और इसमें आपको जितने भी फीचर होने चाहिए वो सारे अवेलेबल होते हैं एक नॉर्मल यूजर्स के लिए। ये एक रिकवरी रोम है या आप चाहो तो कस्टम रोम है जिसको आपको TWRP से फ्लैश करनी है। अगर आपको पता नहीं है कि TWRP कैसे फ्लैश करते हैं तो आप हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। इसमें आपको कंट्रोल सेंटर भी देखने को मिलता है न्यू वाला और वो अच्छे से वर्क भी करता है और उसमें आपको ब्लर भी देखने को मिलता है और वो लैंडस्केप में भी अच्छे से काम करता है। ऐसा नहीं है कि लैंडस्केप में आपको वर्क नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसमें आपको वर्क करेगा। इसमें आपको प्रोफाइल वीडियोस भी देखने को मिलेंगे और आप इसमें डायनेमिक वॉलपेपर भी यूज कर सकते हो अपने होम स्क्रीन के लिए। इसमें आपको जितने भी थीम्स होनी चाहिए वो सारी अवेलेबल हो जाएगी क्योंकि ये ऑफिशियल थीम्स स्टोर इसमें आपको देखने को मिलेगा और इसमें आपको गेम टूर्बो भी देखने को मिलेगा। बस उसमें आपको वॉइस चेंजर का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि वो 2.0 ही है, इसलिए आपको नॉर्मल गेम टर्बो जो कि आपको MIUI स्टैक रोम में मिलता है वही आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे नॉर्मल फीचर्स है जो न्यू अपडेट के साथ हटा दिए हैं वो इसमें आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको फास्ट चार्जिंग भी ये सपोर्ट करती है रोम, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चार्ज में लगाओगे या स्लो चार्ज करेगी, नहीं है, ये फास्ट चार्ज भी करती है और इसमें जो फ्लोटिंग विंडो होता है वो भी बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। इसमें सबसे अच्छी बात है इसमें गेम टूलबॉक्स भी अच्छे से वर्क करता है, वीडियो टूलबॉक्स भी अच्छे से वर्क करता है और फ्लोटिंग विंडो भी बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। बस इसमें कुछ कुछ फ्लोटिंग विंडोज ऐप सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप ऊपर से वो जितने भी ऐप सपोर्ट करते हैं आप उनको देख सकते हैं। इसमें आपको रैम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, यानी आपको लगभग 2 GB से ऊपर आपको अपनी रैम फ्री देखने को मिलेगी 4 GB रैम में, और इसमें आपको जितने भी MI स्टॉक फीचर्स होते हैं वो सारे देखने को मिलते हैं। इसमें आपको फुल स्क्रीन गेस्चर भी देखने को मिलते हैं जो कि MI ने हाल ही में अपडेट में हटा भी दिया था और ये बहुत ही अच्छे से वर्क भी करता है क्योंकि मैं उसी पर अब इस फ़ोन को चला रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसको टेस्ट करना था, तो मेरे को इसकी आदत नहीं है, मैं नॉर्मल बटन्स में ही फ़ोन यूज करता हूँ। डेवलपर ऑप्शन में आपको कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, बस आपको MIUI जैसे ही जो फीचर्स होते हैं वही देखने को मिलेंगे। ये दोस्तों उन लोगों के लिए बनाई गई है जिन लोगों को MIUI का फील भी चाहिए, कस्टम रोम भी चाहिए और उनको फालतू के ऐड भी नहीं आने चाहिए, तो उसके लिए ये रोम बनाई गई है और ये बहुत ही अच्छी रोम है और ये प्रॉपरली सारे वर्क करती है। इसमें जो कैमरा होता है वो भी अच्छे से वर्क कर रहा है, इसमें जो क्रोम है वो भी अच्छे से वर्क कर रहा है और इसमें आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है क्योंकि इसमें फ़ोन डायलर है जो कि MI का स्टॉक डायलर है। इसमें आपको मैसेजिंग ऐप भी देखने को मिल जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा कम फालतू के ऐप्स बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे और प्री इंस्टॉल ऐप आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 देखने को ही दिखाई देंगे जो आप उसे अनइंस्टॉल कर सकते हो। इसमें आपको FM रेडियो क्लॉक और जितने भी आप यूजफुल फीचर यूज करते हैं वो सारे देखने को मिलेंगे। इसमें आपको गेट ऐप्स
हमें वीडियो की नोटिफिकेशन, ब्राउज़र की नोटिफिकेशन, आपको कुछ भी फालतू की नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगी। इसमें कैमरे में जितने भी मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, 48 मेगापिक्सल मोड है, स्लो मोशन है, पोर्ट्रेट है, मेन कैमरा है और वीडियो रिकॉर्डिंग है और जितने भी टाइम स्लैप्स है, जितने भी आपको मोड दिए जाते हैं वो सारे वर्क करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता पा रहा हूँ, जैसे ही ये मैं उन पर क्लिक करता हूँ वो अच्छे से वर्क करते हैं, ना ही आपको कैमरा में स्टक देखने को मिलता है। इसमें आपको सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो आपको नॉर्मल MIUI में देखने को मिलते हैं। आपको इसमें जो ऊपर का कंट्रोल सेंटर आता है वो भी आपको न्यू वाला देखने को मिलता है और वो भी उसमें भी आप ब्लर आता है, जैसे कि आपको बहुत ही अच्छा लगता है। उसमें बैकग्राउंड ब्लैक या ब्लू नहीं होता है और इसमें आपको जो रीस्टार्ट बटन होता है उसको आप दबाओगे तो उसमें आपको एडवांस सेटिंग देखने को मिलेगी। जैसे कि आप सीधे ही रिकवरी में जाना चाहते हो या सीधे ही रीस्टार्ट या बूट लोडर में जाना चाहते हो, आप उसमें जा सकते हो। इसमें आपका MI अकाउंट प्रॉपरली वर्क करता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ये रोम आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।